हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे आफ्टर शेव लोशन और क्या है फॉर्मूला इसके पीछे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ml आफ्टर शेव लोशन बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसकी हमें 100 ml तक जरूरत होगी। डीएम या आरओ वाटर, जिसकी हमें 150 ml तक जरूरत होगी। कुछ क्वांटिटी मेंथॉल की। टी ट्री ऑयल अराउंड 1 ml, जो कि एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। कुछ क्वांटिटी एलम पाउडर की और एक खाली बाउल इंडक्शन कुकटॉप के साथ। एलोवेरा जेल अराउंड 10 ml, और दो चीजें जो हमारी ऑप्शनल होगी वो है एसेंशियल ऑयल, जो बेसिकली फ्रेग्रेंस है अराउंड 2 ml, और येलो कलर पाउडर। ये दोनों ही चीजें ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो इन्हें ऐड कर सकते हैं और चाहे तो नहीं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे खाली बाउल के अंदर डीएम या आरओ वाटर अराउंड 100 से 150 ml तक डाल देंगे। और अब हम इस वाटर को बॉईल करेंगे। और जब हमारा वाटर अच्छे से बॉईल हो जाए तो हम एलम पाउडर ऐड करेंगे हमारे बीकर के अंदर। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, एलम पाउडर को हम हिंदी में फिट करी का पाउडर भी कहते हैं। और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे, और हम इसे तब तक स्टर करेंगे जब तक हमारा एलम पाउडर वाटर में डिजॉल्व ना हो जाए। और जब हमारा एलम पाउडर इजीली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, तब हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल अराउंड 10 ml हमारे इस सॉल्यूशन में। और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब हम तीसरी चीज जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो है टी ट्री ऑयल। ये एक हाईली डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है, अराउंड 1 ml तक हम इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इस सॉल्यूशन को इस खाली बीकर में डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर चौथी चीज ऐड करेंगे, जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अराउंड 100 ml तक हम इसे हमारे बीकर के सॉल्यूशन में डाल देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक अच्छा स्प्रिट अल्कोहल है और हम इसे हिंदी भाषा में ठंडा पानी भी कहते हैं। और इसे अब हम स्टिरिंग रॉड की मदद से अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब पांचवी चीज जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है मेंथॉल। हम थोड़ा सा इसे हमारे सॉल्यूशन में डाल देंगे। मेंथॉल हमारी ठंडा करने में काम आता है। और हमारे सॉल्यूशन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद और थोड़ी देर रखने के बाद आप देखेंगे हमारा आफ्टर शेव लोशन तैयार हो चुका है। और अब बस सिर्फ दो चीजें बाकी रहती हैं। एक है एसेंशियल ऑयल फ्रेग्रेंस। हम कोई से भी फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं, लेमन, रोज एटसेट्रा अराउंड 2 ml तक। और कोई सा भी कलर पाउडर, जैसे येलो कलर पाउडर अगर हम लेमन फ्रेग्रेंस का आफ्टर शेव लोशन बनाने जा रहे हैं तो। ये दोनों ही चीजें ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो इन्हें ऐड कर सकते हैं और चाहे तो नहीं। तो इस तरीके से हमारा आफ्टर शेव लोशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे हमारी एम्प्टी बॉटल में फिल कर लेते हैं पैकेजिंग के लिए।
और इसे कैप लगा देते हैं, इनर कैप, और इसकी आउटर कैप भी लगा देते हैं। तो पैकेजिंग होने के बाद आप देखेंगे हमारा आफ्टर शेव लोशन तैयार है, यूज करने के लिए भी और मार्केट में सेल होने के लिए भी। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये एक हाई क्वालिटी आफ्टर शेव लोशन है। तो फ्रेंड्स, जो लोग इसे अपने घर पे बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से इजीली घर में बना सकते हैं, और जो लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हमने ये बॉटल जस्ट 15 रुपीज में बनाई है, और आप सभी को पता ही है ये मार्केट में कितनी कॉस्टली आती है, अराउंड 70 to 80 रुपीज। तो इसका बिजनेस करके आप 500% तक मुनाफा कमा सकते हैं। यह बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।